जो हमारा मोर्चा है उसकी ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। हमारे इस पत्रकार वार्ता में राजा राम जी ने तारा सिंह जी सिद्धू हरी सगन चौधरी और गुरुचंद सिंह लॉर्ड और डॉक्टर संजय माधव, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि ये देश के किसान मजदूर और नौजवान का एक ऐतिहासिक और अभूतपूर्व आंदोलन अनुशासित आंदोलन है। 100 दिन होने जा रहे हैं, सरकार ने तरह तरह से बदनाम करने की हर संभव कोशिश की। किसान खाली किसान नहीं है, आप में भी कोई आदमी है सर्दियों में तो किसान से नहीं जुड़ा हुआ, मजदूर है किसान से जुड़ा हुआ, व्यापारी है किसान से जुड़ा हुआ। ये इस सरकार के जो कोई कॉर्पोरेट वाले जो कॉर्पोरेट वाले ये तो कोई 2005 इनके जो संपर्क में आ गया वो तो देश को लूट रहे हैं, उनको अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी व्यापारी भी परेशान है। आप हर चीज किसान के साथ जुड़ी है, किसान को आमदनी होगी, मजदूर को मजदूरी मिलेगी, किसान बाजार में जाएगा परचेजिंग करेगा, दुकानदारों के उससे आमदनी होगी, उधर चैन है, चैन बनी हुई है, चैन चलेगा, चैन चलेगी तो ही तो सारे कहीं घूमेंगे। देश की सरकार संविधान को, किसान को, मजदूर सबको तबाह कर रही है और कुल पूर्तिबद्ध देशी विदेशी कंपनी के लिए। इसलिए वैसे किसान संयुक्त मोर्चा कोई राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन पूरे देश में जो 5 विधानसभाओं के चुनाव हो रहे हैं, हमारा एक ही निवेदन होगा कि ये भारतीय जनता पार्टी जो नारे देकर के गई थी 14 में, उससे उल्टे काम कर रही है, इस देश को वापस गुलामी की ओर धकेल रही है। तो ऐसी भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम इस देश की जनता कर रही है। 6 तारीख को जो 100 दिन हो रहे हैं वो दमन विरोधी दिवस होगा, कैंपी काम होगा 11 बजे से लेकर 4 बजे तक 5 घंटे के लिए। 8 मार्च को किसान महिला दिवस के रूप में जो आदि आबादी किसान है वो होगा, 15 तारीख को मजदूर किसान एकता दिवस के रूप में मनाया जाएगा और 23 तारीख को शहीद आजम भगत सिंह की शहादत दिवस मनाया जाएगी। ये प्रोग्राम है, उसके बाद राजस्थान और पूरे देश में होगा ये प्रोग्राम और बाकी जो तो किसान महापंचायत है उन्होंने अभी बताई आने वाली 12 तारीख को पिपाड़ सिटी जोधपुर में होगी, 17 को गंगानगर और संगरिया होगी और 23 को यहाँ होगी और बाकी भी और महापंचायतें भी होगी, लेकिन ये तो डिसाइड कर ये मैंने आपको बताया था कि इतिहास किसानों को सड़कों में बिठा के झंडा बना दिए, इतिहास इनका भी मैंने बताने वाला समय बताया। राजस्थान में 4 उपचुनाव भी हो गए, मालूम पड़ जाएगा कि बोलते उसकी उसके बाद ही रिजल्ट आएगा। हमें उनका रिजल्ट 2 मार्च को आएगा ना, 2 मई को आएगा, 2 मई को आएगा ना, तो 2 मई तक तो हमें कोई जल्दी नहीं है। आज देश इतना नीचा चला गया कि देश की हालत बहुत खराब है। आप लोग ही देश के चलाने वाले हो, आप भी एक 14 सितंबर में गिरते हो, आप लोग भी सही हमारे साथ जुड़ जाओ, हमारे लैंड में आओ, आप भी हमारे बच्चे हैं, कोई बाहर के नहीं हो, लेकिन आने वाला समय बहुत खतरनाक है, देश को संविधान को जिंदा रखना है तो आप लोगों को ही सुधरना पड़ेगा, तभी ये जो सुधरेगा। हम तो देखो हम तो क्या कर सकते हैं, हम तो रोडों पे पड़े वही हैं डटे रहेंगे। 2024 क्या कर रखी है हमने, अगर नहीं कोई लैंड नहीं आया तो 2024 तक आपको शायद यहाँ पर ही मिलेंगे जो मर्जी आता है।